हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड विद इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1,028 मिलियन इन 2001 एंड 121 करोड़ इन 2011। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज लार्जर दैन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर्स इन आर कंट्री। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1872, बट इट्स फर्स्ट कम्प्लीट सेंसस वॉज कंडक्टेड ओनली इन 1881। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश के द्वारा दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। The percentage shares of the population of the states in union territories in the country show that Uttar Pradesh has the highest population, followed by Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. Distribution of population. Population is distributed unevenly. उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटका गुजरात अकाउंट फॉर 76% ऑफ पॉपुलेशन। अरुणाचल प्रदेश टेक्स 0.11% एंड उत्तराखंड टेक्स 0.83% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स की, भौतिक कारक की। फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट वाटर टेरेन ट्रांसपोर्ट। भौतिक कारक ये स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों हिमालय उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास जैसे राजस्थान में, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता झारखंड में और परिवहन जाल के विकास प्रायद्वीपीय राज्यों में के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्या के माध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक सेटल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। तो कृषि का उद्भव कृषि विकास औद्योगिकरण नगरीकरण मानव बस्ती के प्रतिरूप परिवहन जाल तंत्र ये सभी जो हैं आर्थिक सामाजिक आर्थिक कारण हैं। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानी और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है।
Historical factors are also very important. Development of cities such as Mumbai, Kolkata, Chennai by British. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ एशिया फॉलोइंग बांग्लादेश 849 एंड जापान 334 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। There has been a steady increase of about 200 persons per square kilometer over the last 50 years as the density of population increased from 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011. भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे अधिक 1,102, पश्चिमी बंगाल में 1,029, केरला में 859, उत्तर प्रदेश में 828 और तमिलनाडु में 555 उच्चतर घनत्व पाया जाता है। Himalayan states in northeast have low density whereas Ganga plain has highest density and other states have moderate population of density. Measurement of density, जनसंख्या घनत्व का मापन कैसे किया जाता है? कायिक घनत्व या physiological density को निकालने के लिए total population is divided by net cultivated area. कुल जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से भाग दे दिया जाता है और एग्रीकल्चरल डेंसिटी कृषि घनत्व को निकालने के लिए टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इज नेट कल्टीवेटेड एरिया इज डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टीवेटर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। कृषि जनसंख्या में कृषक कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। जनसंख्या की वृद्धि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल एंड एक्चुअल इंड्यूस्ड, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज बाय क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दर से किया जाता है एंड एक्चुअल इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड विद इमिग्रेशन सब्ट्रैक्टेड बाय आउट माइग्रेशन। और अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। द एनुअल ग्रोथ इज 1.64% सेंसस अकॉर्डिंग टू 2011। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, जनसंख्या के दुगना होने का समय। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इट्सेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट।
जनसंख्या के दुगना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है। डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ इन इंडिया। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। डिकेडल ग्रोथ रेट को निकालने के लिए हम g=p2-p1/p1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर g का मतलब है ग्रोथ रेट, p1 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, आधार वर्ष की जनसंख्या, और p2 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास की दर के कारण हुई है, और इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। देयर आर क्लियर 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ रेट। यहाँ पर हम उन चारों अवस्थाओं को एक एक करके देखेंगे। नाउ स्टेज 1, 1901 to 1921 स्टैग्नेंट ग्रोथ। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, इसका मतलब है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। स्लो ग्रोथ रेट, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। ये किन कारणों से हुआ? Due to poor medical facilities, low literacy rate, inefficient distribution of food and basic facilities. तो इन सभी अपर्याप्त वितरण के कारण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थी। Stage 2, 1921 to 1951 is considered as stage 2. It is steady growth, improvement in health and sanitation and low mortality rate. देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन डेथ रेट। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ, फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊँची बनी रही, जिससे पिछले प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च दर हुई। द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड वार एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन इन्फ्लुएंस मोर्टैलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। स्टेज 3, 1951 to 1981 इज कंसिडर्ड एज स्टेज 3, एंड इन दिस स्टेज देर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड फॉल इन मॉर्टेलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट, इंट्रोडक्शन ऑफ 5-year प्लान्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन एंड इंक्रीज माइग्रेशन। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वो अवधि थी जिसमें केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहां तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। एंड फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। स्टेज 4, From 1981 to still now, this stage is considered as stage 4. And in this stage, there is a growth rate decline, crude birth rate decline and due to increased marriage. 1981 के बाद से लेकर अभी तक जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी है, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। एज, मैरिज एज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन, इंक्रीज मैरिज एज। देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है कि देयर इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल रीच 1350 मिलियन बाय 2025।
रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। स्टेट्स ऑफ लो रेट ऑफ ग्रोथ इज केरला विद 9.4%, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी एंड गोवा। स्टेट्स ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ आर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। एडोलेसेंट पॉपुलेशन, किशोर जनसंख्या। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। द शेयर्स ऑफ एडोलेसेंस अप टू द एज ग्रुप ऑफ 10 टू 19 ईयर्स इज अबाउट 20.9% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, जिसमें 52.7% प्रतिशत किशोर और 47.3% किशोरियां सम्मिलित हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यदि इन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित ना किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद्य भी हो जाते हैं। दे आर हाई पोटेंशियल एंड क्वाइट वल्नरेबल। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से हैं लोअर एज एट मैरिज, इलिटरेसी, फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मोर्टैलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, हाई रेट ऑफ HIV एड्स, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड क्राइम। ये सब ऐसी चुनौतियां हैं हमारे समाज के सामने, जिन्हें हमें अपनी किशोर अवस्था की जो जनसंख्या है उनसे बचाना है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चैनलाइज द अडल्ट। हमारी सरकार के द्वारा भी बहुत से कदम उठाए गए हैं, कुछ नीतियां बनाई गई हैं, जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति, एंकरेज द यूथ फॉर कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इम्प्रूव पैट्रियटिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यूथ एम्पावरमेंट, गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर यूथ हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। The National Youth Policy 2003, All-round improvement of the youth, enable adolescent towards constructive development of the country, reinforcing the qualities of patriotism and responsible citizenship, youth empowerment, empowering women, youth health, sports and recreation, creativity and awareness about new innovations in the spheres of science and technology. The National Youth Policy 2014, राष्ट्रीय युवा नीति 2014, फरवरी 2014 में ये शुरू की गई। टू इनेबल यूथ डेवलपमेंट एंड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। It provides a holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of nations. National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015. भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई। To meet the challenge of skilling at scale with speed and standard, इसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। To provide an umbrella framework to all skilling activities being carried out within the country, इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना और विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। To align them to common standards and link the skilling with डिमांड सेंटर्स। पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें एज एंड सेक्स, आयु व लिंग का विश्लेषण, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स,
tribes, language, religion, marital status, literacy, education and occupation जैसी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है. रूरल अर्बन कंपोजिशन हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, ग्रामीण नगरीय संगठन. मोर देन 68.8% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. इंडिया हैज 6,40,867 विलेजेस अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन. गोवा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव लो रूरल पॉपुलेशन. यूनियन टेरिटरीज हैव लो रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली. द साइज ऑफ विलेजेस वैरीज फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन. इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड राजस्थान इट इज लेस देन 200%, वाइल इट इज मोर देन 17,000% इन केरला. अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या. कुल जनसंख्या की तरह नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं. फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बड़ी है. ये सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है. उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेलमार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र कोलकाता, मुंबई, बेंगलुर, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है. एंड इट इज़ इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ हाइजीनिक कंडीशंस. लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, भाषाई संगठन. भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है. एंड अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन देयर आर 179 लैंग्वेजेस, 544 डायलैक्ट्स एंड देयर आर अबाउट 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इन इंडिया. हिंदी स्पीकर्स आर 40.42% एंड इट इज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एनी लैंग्वेज. एंड द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज इज कश्मीरी एंड द कंपोजिशन इज 0.01%. लैंग्वेज फैमिली, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले चार भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके सब फैमिलीज हैं, ब्रांचेज हैं, ग्रुप्स हैं. इसको हम इस टेबल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. देयर आर फोर फैमिलीज, ऑस्ट्रिक, द्राविडियन, सिनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन. एंड सब फैमिलीज ऑफ ऑस्ट्रिक आर ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनेशियन. चीनी तिब्बती सब फैमिलीज आर तिब्बती म्यांमारी एंड शियामी चीनी. सब फैमिलीज ऑफ इंडो यूरोपियंस आर इंडो आर्यंस. ब्रांचेस ऑफ ऑस्ट्रिक आर मौनखेर एंड मुंडा. द्रविड़ियंस आर दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़. शिनो तिब्बतंस ब्रांचेस आर तिब्बतो हिमालयंस, नॉर्थ असम एंड असम म्यांमारी. एंड ब्रांचेस ऑफ इंडो यूरोपियन आर ईरानियक, द्राडिक एंड इंडो आर्यन. एंड देयर आर दीज स्पीच एरियाज ऑस्ट्रिक, मेघालय, निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑस्ट्रोनेशियन आउटसाइड इंडिया. द्रविड़ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. एंड शिनो तिब्बतन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय. एंड द स्पीच एरियाज ऑफ इंडो यूरोपियंस आर आउटसाइड द इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा. रिलीजियस कंपोजिशन, धार्मिक संगठन. धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है.
Hindus are distributed in all states except in the districts of states along Indo-Bangladesh border, Jammu and Kashmir and Northeast states. Muslims are concentrated in Jammu and Kashmir, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Delhi and Lakshadweep. Christian population is concentrated in mainly western coast and northeast states. Sikhs are concentrated in Punjab. Jain Buddhists are concentrated in Rajasthan, Maharashtra and Gujarat. Hindus are 79.8%. Muslims are 14.2%, Christians are 2.3%, Sikhs 1.7%, Buddhists 0.7%, Jains 0.4% and others are 0.6%. Religion and landscape. Formal expression of religions on landscape is manifested through sacred structure, use of cemeteries and assemblage of plants and animals, groves of trees for religious purpose. पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित हैं. ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिर, स्मरणार्थ मस्जिद अथवा महानगरों में शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती हैं. दीज टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वारास, मोनेस्ट्रीज एंड चर्चेज डिफर इन साइज, फॉर्म, स्पेस and density while attributing a special dimension to the total landscape of the area. Composition of working population. Shramjeevi Jansankhya ka Sangathan. आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा जाता है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक. मेन वर्कर, मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है. सीमांत श्रमिक, मार्जिनल वर्कर वो है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन में काम करता है. ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिक मुख्य और सीमांत का अनुपात 39.8% है. लार्ज परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, लार्ज नंबर्स इज अनएम्प्लॉयड. ये एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6% और दमन और दीव में लगभग 44.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है. मिजोरम में ये 53% है. द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन, व्यावसायिक संगठन. ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन इट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज. इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना. About 54.6% of total working population are cultivators and agricultural laborers. 3.8% of workers are engaged in household industries. 41.6% are other workers including non-household industries, trade, commerce, construction and repair and other services. And this is a very important aspect of our Indian government, Beti Bachao, Beti Padhao. सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया. और इसमें कहा गया है, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड, इट इज़ एंडेंजर्ड. इट इज़ अकॉर्डिंग टू HDR UNDP 1995. यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है. The government of India has duly acknowledged the adverse impacts of gender discrimination and launched a nationwide campaign called Beti Bachao, Beti Padhao. Samaj ka vibhajan purush, mahila aur transgender mein prakritik aur jaivik roop se mana jata hai. Lekin vastav mein samaj sabke liye alag alag bhumika nirdharit karta hai aur ye bhumikaye fir se samajik sansthaon dwara sudrad kar di jati hain.
सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज, व्यावसायिक श्रेणियां, व्यावसायिक संवर्ग, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के श्रमजीवी जनसंख्या को चार भागों में बांटा गया है। कृषक, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कृषि मजदूर, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अदर वर्कर्स, अन्य श्रमिक। स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्किंग पार्टिसिपेशन, हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कल्टीवेटर्स। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। इन अर्बन सेंटर्स देयर इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ सर्विसेज। नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात सेवाओं में लगा हुआ है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एनकरेज वर्कर्स। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि वृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। सो दैट्स ऑल योर चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।